अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुनील सिंह जी के आने के बाद अब चिलम नहीं जलेगी। समाजवादी पार्टी के साथी और दूसरे दलों से जो आज शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, सभी हमारे नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जो मंच पर उपस्थित हैं, जिनके साथ भारी संख्या में लोग आए हैं और उनकी इतनी बुलंद आवाज थी कि हमारे पड़ोसी लोग जो हैं उनने सुन ली होगी बात, जो जो उन्होंने कहा है हमारे पड़ोसी के कान में सब बातें पहुंच गई हैं। मैं सुनील सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी में। मैं उनको और उनके साथ जितने भी आए हुए साथी हैं, सहयोगी हैं, मैं एक एक साथी सहयोगी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस संघर्ष के समय पर आपने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के समाजवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है। सुनील सिंह जी के आने के बाद अब चिलम नहीं जलेगी। गांजा कम कर रहे हैं हमारे नौरंग जी, ये कमाल के हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जेल भेज दिया। ये अलग बात है कि विरोधी लोग जेल जाते हैं। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, पहले दिन से मैंने कहा कि सरकार में अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 3 साल गुजर गए संघर्ष करते करते, कोई सुनवाई नहीं है और अब तो समय नहीं बचा है उनके पास, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और हमें खुशी है इस बात की कि जहां इतने साथी आए हैं वहीं पर जो बहुजन समाज पार्टी में रहे, सीएल वर्मा जी, उनका हम स्वागत करते हैं। नोएडा जैसी जगह से दीपक विग जी आ गए हैं, उनका मैं बधाई देता हूं। और हमें खुशी है इस बात की कि मैदान में जितने हमें दिखाई दे रहे हैं सब नौजवान हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो नौजवानों को आशीर्वाद देने आए हैं। जिस देश की आबादी 60-70% नौजवानों की हो, उस देश को बताओ किसमें उलझा दिया इन्होंने, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान के अलावा भारतीय जनता पार्टी पर कोई नारा नहीं है। और अभी देखिए नागरिकता को लेकर के सवाल कितना बड़ा खड़ा कर दिया। जहां से बात शुरू हुई आसाम, क्या आसाम के लोग संतुष्ट हैं? आसामी के लोग न जाने क्या क्या चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, उन्होंने हिंदू मुसलमान वहां भी करा दिया। आसाम के लोग जो चाहते थे उन्हें भी निराश कर दिया। आसाम के एक हिस्से में ऐसा कर दिया कि अगर हम और आप जाना चाहेंगे तो वहां पर आपको और हमको परमिट चाहिए होगा, तभी हम जा पाएंगे, वरना हम परमिट के बिना वहां जा नहीं पाएंगे। एक हिस्से में सीएए लागू ही नहीं है। अगर कोई नागरिकता चाहता होगा उस हिस्से में, उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। ये देश जिसके किसान की समस्या का समाधान होना चाहिए था, नौजवान को नौकरी और रोजगार के रास्ते पर ले जाना चाहिए था, व्यापारियों को हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इन किसी वर्ग को कोई सुविधा नहीं दी। केवल खाई पैदा इसलिए करना, नफरत इसलिए फैलाना, जिससे कि वो राजनीतिक लाभ उससे उठा सके। हमें खुशी है इस बात की
कि हमारे हिंदू भाईनी के युवा भाईनी के लोग आ गए हैं, अब उनकी नागरिकता का खतरा अपना खुद पैदा हो जाएगा। ये जो दूसरों की नागरिकता ले रहे थे लेकिन सुनील सिंह आ गए और उन्हीं की नागरिकता खतरे में है। इसलिए समाजवादी पार्टी इनके सभी सहयोगी साथियों का स्वागत करती है और हमें भरोसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे थे उसका भी खुलासा ये लोग कर देंगे। आप